Very warm good evening, everybody. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedanta Biotronic, I welcome you all to today's session. कैसे हैं top 40 MCQs? Structural organization and animals करने के लिए तैयार हैं? सुबह ये chapter मैंने आपको करवाए. कैसे हो बच्चों? पढ़ाई-वढ़ाई बढ़िया चल रही है? एकदम बढ़िया हो. Good to see you all. चलो, so आज की class शुरू करते हैं. But before I begin the class, मुझे इतना बता दो, physics chemistry में भी झंडे गाड़ रहे हो ना? बढ़िया चल रही हो ना physics chemistry भी, guys? अगर आपकी लाइफ में तीन मेन प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो जो मैं बताने वाली हूँ, नंबर वन प्रॉब्लम है कि अगर आपका फिजिक्स वीक है, मतलब अगर उस टाइप की फिजिक्स है कि मेरे तो कॉन्सेप्ट ही हिले हुए हैं, मैंने तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े हैं, मेरा अनफॉर्चुनेटली 11th का फिजिक्स बहुत वीक है जिसकी वजह से मेरे नंबर नहीं आ रहे, 12th में मैनेज कर रहा हूँ, प्लीज क्रैश कोर्स ले लो, आज स्टार्ट हुआ है. ये एक मैम की आपसे विनती है, प्लीज रिपीट मत करो गाइज, रिपीट करना बहुत मुश्किल है, राइट? मेरे को अभी इतने मैसेजेस आ रहे हैं, मैं कल एक स्पेशल लेक्चर लेने वाली हूँ ड्रीमर्स ड्रॉपर्स के लिए, पर रिपीट मत करो, रिपीट करना सच में बहुत मुश्किल है. एक साल घर पे बैठ के प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है. अगर 350 पे स्टक हो, क्रैश कोर्स आपका स्कोर इंक्रीज कर देगा मिनिमम 200 to 250. सोचो अगर 400 पे हो, 650 पे चले जाओगे. अगर एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, अपने आप से पूछो, मेरे लिए मत करो, अगर एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, प्लीज क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, 20+ मॉक टेस्ट हैं. और जो बच्चे पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पर डाउट्स की प्रॉब्लम उनको छोड़ नहीं रही है, गाइस अब तो हमने लाइव क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है, एकदम लाइव, एब्सोल्युटली लाइव, जिसमें टेस्ट है, असाइनमेंट्स है, सब कुछ है. प्लीज आप ये देखो, ये आपकी क्लास चल रही है, आपको कुछ नहीं करना, आप इस क्लास के नीचे आ जाओ. ये देखो आपका लाइव मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया है गाइस. फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 60 से ज्यादा क्लासेस होंगी, 10 part test, 10 full test, 500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्विज और लाइव डाउट सॉल्विंग. तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है, डाउट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो गाइस ये लाइव, आपके पास एआई लाइव तो है ही, पर अब मैंने लाइव शुरू कर दिया विद द कोड वीडी प्रो, प्लीज मिस मत करो, एक साल ड्रॉप करना. मेरे कुछ स्टूडेंट्स अब एक्स इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, वाई इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, सोच रहे मम्मी पापा कह रहे हैं यहाँ पढ़ो, बेटा 60-70,000 से कम कुछ नहीं होगा, एक साल वेस्ट होगा, गारंटी नहीं होगी होगा या नहीं होगा. प्लीज गिव नीट 2022 सीरियसली, आ जाइए. चलिए तो वीक क्विज ज्वाइन करते हैं फटाफट से. 225356 weekquiz.in पे जाइए, 225356 आपका आज का कोड है, 225356. चलो फर्स्ट शेखर प्रिया जल्दी ज्वाइन करो, 225356 ज्वाइन कर लिया, डन. पक्का स्टार्ट कर दे एवरीबडी, 225356 स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन. चलो vquiz.in स्मूथ मसल सुबह बताया है, इनवॉलंटरी फ्यूजीफॉर्म मल्टी न्यूक्लिएट सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल स्पिंडल शेप्ड वॉलंटरी यूनिन्यूक्लिएट नॉन स्ट्राइटेड, कंफ्यूज मत होइए. प्लीज कंफ्यूज मत होइए. इनवॉलेंट्री बेटा यहां वॉलेंट्री है, स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री. ये क्वेश्चन अगर किसी ने गलत जवाब दिया है इस स्टेज पर आकर तो बहुत गलत बात है, स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री नॉट वॉलेंट्री. क्वेश्चन नंबर टू, प्लीज इंक्रीज योर स्पीड ऑफ आंसरिंग. ब्लड वेसल्स इनर वॉल जो मैंने अंडरलाइन किया था सुबह एनसीईआरटी में, क्यूबॉइडल कॉलमनर सीलिएटेड स्क्वामोस अंडरलाइंड इन द मॉर्निंग ऑन योर स्क्रीन्स. सुबह अंडरलाइन किया है मैंने,
वेरी गुड. सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम, इसको एंडोथेलियम भी कहते हैं. इट इज अ सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम. नेक्स्ट. The epithelial tissue present on inner surface fallopian tube. So underline किया है सारे question, मतलब cuboidal glandular ciliated squamous fallopian tube specially बताया था और बोला था यही questions आएंगे. चलिए चलो चलो. Done. क्यों मैंने आपको कितनी बार बोला है एग को मूव करवाना है, एग मूव नहीं कर सकता, जायगोट को मूव करवाना है. आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट द मॉर्निंग क्लास गाइस? मैं सुबह 40-45 मिनट्स में क्वेश्चन चैप्टर पूरा करवा देती हूँ. फोर्थ. चलो सेल. अरे यार टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शन, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर, एपिथेलियल, न्यूरल, अगेन तीनों टाइप के जंक्शन सुबह किए. ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी डन इन द मॉर्निंग. चलो सुबह करवाया वाली मैम ने, करवाया कि नहीं करवाया बता दो. कोई बच्चा कह नहीं सकता, एक भी बच्चा, क्योंकि रिकॉर्डेड है लेक्चर. एपिथेलियल टिश्यू, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, एपिथेलियल टिश्यूज, न्यूरल में कहां से पहुंच गए नालायकों. फिफ्थ, लीडर बोर्ड आ गया. गुड स्पीड गाइस टुडे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेपरेशंस आर यू लाइकली टू कम अक्रॉस सेल जंक्शंस? हाइलिन कार्टिलेज, टेंडन विच कनेक्ट्स मसल टू बोन, थ्रोम्बोसाइट्स विच आर प्लेटलेट्स, और सीलिएटेड एपिथेलियम. जो अभी दो मिनट पहले किया उसी का फ्लिप क्वेश्चन आ गया. चलिए आयशा गर्विता प्लीज आंसर. टाइम इज अप. इट इज सीलिएटेड एपिथेलियम. एपिथेलियम पे ही होती है सेल जंक्शंस और कहीं पे नहीं होती है. वेल डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो लीडर बोर्ड आ गया हमारे लिए. लीडर बोर्ड कह रहे आस्था, दिव्या, एनके, ये तो हमारे रेगुलर टॉपर्स हैं. समीक्षा, आयशा, अर्पिता, वेल डन. मेवान, डोरोथी, बुद्धादित्य, प्रेसिस, वेल डन. चलो अगला सवाल. सिक्स्थ. चलिए ये रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये भी सुबह कराया है. डेंस रेगुलर कराया, इरेगुलर कराया, दोनों कराए मैंने आपको. आप गलती कर ही नहीं सकते. इरेगुलर पूछा है नालायकों. टेंडन लिगामेंट इज रेगुलर. क्वेश्चन नंबर 7. चलो विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू. चलो चलो. मोस्ट अबंडेंट, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल. मोस्ट अबंडेंट, नाइस क्वेश्चन, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड. बट गाइस प्लीज थिंक ऑफ द क्रैश कोर्स. इट कुड रियली बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू. एट दिस मोमेंट द क्रैश कोर्स कुड रियली बी हेल्पफुल, कुड रियली बी लाइफ चेंजिंग. इट इज द कनेक्टिव टिश्यू. Is it? Yes, most abundant से answer आएगा guys. Most abundant skin के below blood, fluid, fluid tissue. The fluid connective tissue is blood.
So most abundant skin ke niche, cartilage tissue, bones, tendons, ligaments, blood. It is the fluid connective tissue. Subha, maine aapko sab kuch karwaya hai, guys. Yes? Oh no, no, mat kijiye. Chaliye agle sawal pe. Eighth question. Fast. Please increase your speed, everybody. Areolar. Chalo, 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 chalo. Speed up. सुबह के ही सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं. स्पीड अप. एरियोलर, लूज एरियोलर, फैट बॉडी विद मसल्स, इंटेग्यूमेंट, बोन विद मसल, बोन विद बोन, टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन, लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन. एरियोलर पूछा है, एरियोलर. लास्ट 1 सेकेंड, टाइम इज अप. ये बोन टू बोन वाले कौन है? एरियोलर फैट नहीं है, इंटेग्यूमेंट, स्किन विद मसल. स्किन के नीचे होता है तो स्किन विद मसल्स, इट इज बिलो द स्किन. स्किन के नीचे लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन 9th. चलो myelin sheath, Schwann cells and oligodendrocytes. Schwann cells in the peripheral nervous system, oligodendrocytes in the central nervous system. Very well answered. Very well answered. Next question. 10 questions already done, guys. Good speed. Gap junctions ka kaam kya hota hai? Facilitate communication between adjoining cells. Separate 2 cells from each other, soft substances from leaking across the tissue, performing cementing to keep neighboring cells together. Batao. Gap junction, jagah hai do ke beech mein. Jab bhi jagah hoti hai, usko gap junction kehte hain. Kya kaam hota hai? Communication. Well done. Very well done. Pure NCERT, guys. That is the benefit of the morning classes. आप देखना आपका स्कोर सच में 360 और 360 आएगा. इसीलिए मैं आपको फोर्स कर रही हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो, इसी साल रैंक मिल जाएगी. तन्मय, कलेश, कास्था, वेल्डन, आयशा, साफिया, चंदना, अर्पिता, कौर्सिस, कशिश एंड अमित. फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो, इसी साल सीट मिल जाएगी, गाइस, इसी साल सीट मिल जाएगी. द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म सपोर्टिव स्ट्रक्चर, पिन्ना, ईई, टिप ऑफ द नोज, सेम इलास्टिक कार्टिलेज, कहां होता है? ईयर ऑसिकल में, नेल्स में, वर्टिब्रेटा में, टिप ऑफ द नोज में. कहां होता है इलास्टिक कार्टिलेज बताइए? ईई कहां होगा? दैट इज आई एम सेइंग पढ़ लो फिजिक्स केमिस्ट्री, ले लो क्रैश कोर्स, मेहनत कर लो इस साल. Done, 5 seconds. Come on, 9:30 ho gaye. Well done, tip of the nose, Eustachian tube, ear, pinna, epiglottis. Well done. Mast cells, ये तो मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था, बताया था. 3 चीजें होती है, heparin, serotonin and hippurin, myoglobin, histamine, hemoglobin. चलो डायग्राम दिखाया था सुबह, गाइस एक एक क्वेश्चन सुबह की क्लास से आ रहा है. दिस इज अनबिलीवेबल. 500 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, 245 आर गिविंग वीक क्विज, 278 आर देयर आउटसाइड. वेल डन. Histamine, heparin, histamine, sertoline, heparin, anticoagulant, histamine, vasodilation, sertoline, vasocoagulant. Next question. Every question is from NCERT. Every question we've discussed in the morning. You should be able to score out of out. Chondrocytes, suba maine karaya hai aapko word.
ऑस्टियोसाइट मैंने कराया, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन, न्यूरॉन्स, बताइए इनकरेक्ट, कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट सब कराए सुबह, गलत कौन सा है, इनकरेक्ट। Thank God, chondrocyte is cartilage, not muscle. Osteo is bone, fibro is connective tissue, areola or loose areola connective tissue, collagen neurons is nerve, chondrocytes is cartilage. 15th question, 14th. दो हावर्शन कनाल्स को कनेक्ट करना कौन करता है, ये वर्टिकल हावर्शन होती है, इनको कनेक्ट कौन करता है, स्क्लेम्स, वॉल्क्समैन, पोर्टल कैपिलरी, साइनसिस। चलो Easy है यार, अगर तुमने इसका जवाब ना दिया that means you're totally breaking my heart. इसका सवाल का जवाब ना दिया come on वॉक्समैन कनाल, हावर्शन कनाल को कनेक्ट करने वाला वॉकमैन, वेल डन। Correctly matched pair. Cartilage, loose connective tissue, adipose tissue, dense connective tissue, areolar tissue, loose connective tissue, tendon, specialized connective tissue. Chalo. Chalo. Wow, correctly matched. Cartilage is not loose, right? Correctly matched pair. Adipose tissue is loose. Areolar tissue is loose. Right hand densely packed. Tendon connects the muscle to the bones. TMB. Well done. Next question. Good guys, you're doing well. Very well. Very well. Next question. Well done! The process by which most of the cartilaginous tissues is transformed into bone. पहले सब cartilage बनते हैं, फिर धीरे-धीरे bone में convert होते हैं, which is called as calcification. Yes or no? Well done. Next question. Calcification. Right? और यहीं पे तो mark खा गए। अभी मैंने तुम्हें क्या बोला, यही exactly यही mark खा गए। बोला था वाली मैम ने सुबह कि मैम पहले तो cartilage बनता है, फिर बोन बनता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, जो कार्टिलेज से बोन बनेगा, पहले कार्टिलेज फिर बोन, कॉन्ड्रल कार्टिलेज फिर बोन बनेगी, बोन एंडो इनसाइड द बॉडी, पहले बनता है कार्टिलेज फिर बनता है बोन, यकीन नहीं हो रहा, मैंने सुबह ये मार्क करवाया था, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, खूब एक्साइटमेंट, कैल्सिफिकेशन, वाणी मैम ने बोला सीधा क्या बेटा, कार्टिलेज से बोन बनेगी, ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, फर्स्ट एवरीथिंग इज कार्टिलेज, डायरेक्ट कन्वर्ट्स टू बोन, फिर क्यों ध्यान नहीं देते बेटा, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें गलतियां हो जाएंगी, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है पर एग्जाम में यही गलतियां कर जाती है। चलिए अगले सवाल पे चुनू मुनू गैंगस्टर्स, चलो
चलो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहाँ पर थायराइड में सुबह बोला था जो सिक्रीट करता है ओवरी जो है बेटा आपकी बॉडी में जहां पर भी गैमेट सिक्रीट होंगे भले वो ओवरी हो या टेस्टिस हो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा। पैंक्रियाटिक डक्ट पैंक्रियाटिक जूस करेगा, थायराइड ग्लैंड TSH Yes, T3, T4, secretory जहां भी होगा, it has to be simple cuboidal fallopian tube में columnar होता है। हमने अभी पढ़ा था, फिर भी तुम लोग ऐसी गलती कर देती हो, तो फिर बेटा बहुत hurt feel होता है। चलो, next, 17, 40 questions करने हमें। ठीक है चलो सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम इज फाउंड इन जिसमें गलत Yes, is it found in trachea, fallopian tube, semi-fused tube? Pseudo, multiple layer लग रहा है, पर असली में multiple layer नहीं है. That is pseudo stratified. Multiple layer लग रहा है, पर ultimately नहीं है. It is found in trachea. बेटा semi-fused tube में pseudo stratified नहीं होगा. Semi-fused tube में cuboidal होगा, ciliated cuboidal epithelium. Kidney tubules, PCT हमने सुबह किया है, ciliated. Yes. Columnar with cilia fallopian tube में होगा next question 19. Smooth muscle कहाँ होते हैं? Well done, show the result. Well done. Smooth muscles vein में भी होते हैं, not under your control expansion. Uterus आपके control में बिल्कुल नहीं होता, artery आपके control में नहीं, तो blood जा रहा है, expand कर रहा है. सब में smooth muscles होती हैं, right? अगला सवाल, चलो. 20th. Done. Tendons and ligaments are the examples of adipose tissue, areolar connective tissue, loose connective tissue, dense regular connective tissue. Is that clear, everyone? Well done! So we have Kanishk, Asta, Pratham, Safiya, Shreya, Akash, Arpita, Bhuta, Ditya, Aisha. Next question.
The body cells in cockroach discharge their nitrogenous waste in the hemolymph. सुबह कराया है, कॉकरोच का कराया है, फ्रॉग का कराया है. कहते मैम ये तो सिलेबस में नहीं है, मैम ये आएगा, मैम वो आएगा. सुबह बोल रही थी चुपचाप बैठो और सिर्फ पढ़ते चलो जो मैं सुबह की क्लासेस में करवा रही हूँ. चलो अमोनिया, यूरेट, यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट हीमोलिम्फ में किस फॉर्म में डालते हैं? पोटेशियम यूरिएट. चलो ये सुबह कराए बताओ. स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम? सेमाइनल साइकिल, मशरूम ग्लैंड्स, टेस्टिस, वासा डिफरेंस. किस फॉर्म में स्टोर होते हैं बताइए, कहां स्टोर करोगे बताओ. बताइए चलो चलो चलो. मेल कॉकरोचेस कोलैटरल ग्लैंड्स मैंने आपको कराया, एक एक चीज कराई, एनल स्टाइल आपको कराया, एनल सिते आपको कराया, डिफरेंस आपको कराया, एक एक चीज आई हैव डन विद यू. सेमाइनल वेसिकल्स 23rd और 41st नॉट प्रेजेंट इन पेरिप्लैनेट अमेरिकियाना, नॉट. एक्सोस्केलेटन नैक का, मेटामेरी सिगमेंटेड बॉडी, सिज़ोसीलोम इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आंसर में नॉट प्रेजेंट है. And God, not present. What is the answer? A or B? Determinate होता है या exoskeleton chitin का होता है? Determinate. Well done. La 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 la. Very good performance, bachon. Very good. What external changes are visible after the last mode? बेटा कोरविन टेगमीना डेवलप करता है लेदरी वाला लास्ट वेव, उसके बाद वो फ्लाई करने लग जाएंगे. सुबह मार्क कराया वानी मैम ने. यार ऐसे ना दिल मत तोड़ा करो, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक अपना खून जलाकर एक शिक्षिका इन बच्चों को पढ़ाती है और ये बच्चे इतने आंसर गलत दे जाते हैं कई बार, शिक्षिका के दिल पे बहुत ठेस पहुंचती है. यस अलीशा, चलो 15 क्वेश्चन बचे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेटेड एज इट हैपेंस इन द कॉमन कॉकरोच? ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट इज यूरिया, मैंडिबल और गिजर ग्राउंड करते हैं फूड को, मैलफीजियन ट्यूब्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द कोलन. करेक्टली स्टेटेड हीमोग्लोबिन गिजर के साथ मैंडिबल भी ग्राइंड करता है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. Yes, hepatic सीखा के बाद malpighian tubules. बताइए, it is not from the colon. Food is both by mandible and gizzard. सुबह बताया था, crop is for temporary storage. Grinding of food is by gizzard. आस्था, प्रथम, कनिष्ठ, साफी, आकाश, अर्पिता, आयशा, रिया, बुधा, दित्य एंड तन्मय. चलो next question. Good, अच्छा performance चल रहा है. Say the correct statement from the ones given below with respect to Periplaneta americana. Chalo.
time is up. Same like we've done in the morning. Males wear a pair of short thread like anal styles. Well done. Next question. Very well done. Well done! Which of the following features is used to identify a male cockroach from a female cockroach? Presence of caudal styles. Caudal styles. Well done. In cockroach, identify the parts of the foreground in the correct sequence. Mouth, esophagus, pharynx, crop, gizzard. Mouth, crop, pharynx, esophagus, gizzard. Mouth, gizzard, crop, pharynx, esophagus. Mouth, pharynx, esophagus, crop, gizzard. Fast! Well done. In cockroach, identify the parts of mouth, mouth ke baad pharynx, pharynx ke baad esophagus, uske baad crop, uske baad gizzard. Ye to diagram NCERT ka hai, bahut baar diya hua. Last 11 questions, guys. Last 11 questions. Last 11 questions. Uthika, it is collateral gland. मैंने भी बोला भी था कि ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया सीखा. चलिए gland structures do not participate in excretion. Fat body, uricose gland, malpighian tubules or phallic gland. Guys, मैं अगर आपको ना एक चीज मतलब मैं आपको promise करके बता सकती हूँ वो ये है, अगर आप सिर्फ मेरे lectures लगा रहे हो आपके 360 on 360 आएंगे. That is my personal guarantee. आपको मुझे 45 मिनट्स सुबह देने हैं, 45 मिनट्स शाम को देने हैं, पूरा दिन आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, आपके बहुत इजीली इतना स्कोर आ जाएगा. यू कैन इजीली स्कोर 360 और 360. एंड प्लीज डोंट मिस फिजिक्स केमिस्ट्री, प्लीज फैलिक ग्लैंड्स. चलिए अभी लीडर बोर्ड दिखाती हूँ आपको एंड देन वी विल डू द लास्ट 10 क्वेश्चन. इसके अलावा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. आस्था, प्रथम, बुद्धादित्य, अर्पिता, आकाश, रिया, वेल डन रिया, कनिष्क, आयशा, दिव्या एंड साफिया. 31st question, chali. Chali. Thank you.
चलो हार्डन प्लेट्स ऑफ एक्सोस्केलेटन वेंट्रल डोर्सल क्या है टर्क वेंट्रल स्क्लेराइट्स यस डोर्सल वेंट्रल वेंट्रल कथी कम ऑन वेंट्रल या डोर्सल सुबह स्पेशली बोला है वेंट्रल सी सुबह स्पेशली बोला है डोर्सल वेंट्रल स्टर्नाइट्स आई हैव स्पेसिफिकली मेंशन इट इन द मॉर्निंग फिर भी गलती करेंगे चलो एनल सिरका है बताओ एनस ये सुबह बताए याद है ना बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोचेस स्टाइल होता है या स्टाइल सेम लाइन आपको पढ़ के बताई थी कि बेटा स्टाइल होता है सिरका है दोनों में होता है अंडरलाइन की थी कल से तुम्हें पता है दूसरी दोबारा स्लाइड्स ओपन करने वाली हो फर्स्ट और सेकंड पेयर ऑफ विंग्स कहां से आते हैं प्रोथोरैक्स मेसोथोरैक्स मेसो मेटा प्रो एंड मेटा चलो मीसो एंड मेटाथोरैक्स वेल डन वेरी वेल डन हेड कितने सेगमेंट से बनता है It is number 6. Well done. Triangular in shape. Astha, Pratam, Buddha, Ditya. Akash, Arpita, Safiya, Divya, Sanan, Riya and Aisha. Well done. Next question. चलिए गुड इलियम कोलोन रेक्टम इज द लास्ट वन देखो रेक्टम है तो मतलब यहां पे तो यार आपको थोड़ा दिमाग खुद भी लगा सकते हो रेक्टम है लास्ट है तो फोर गट कैसे होगा फोर गट फिर मिड गट फिर हाइंड गट तो रेक्टम अगर वर्ड लिखा दैट मींस इट इज द हाइंड गट इतना दिमाग तो खुद से लगाना सीख लो ना बेटा इसमें तो कोई ऐसा कुछ मुश्किल चीज नहीं है लास्ट के चार क्वेश्चन बचे हैं चलिए
चलें। Time is up. Gizzard crush. Crop is for temporary storage. Gizzard is for crushing the food. Chale. Development. Porometabolus. It is going to have lot of nymphal stages, 13 in total. That is why porometabolus. In cockroach, wings that help in flying are hind wings, mesothorax, forewings, tegmina. Ek answer to bilkul bhi nahi hai. Chalo. And please beta, I am moving to the side. Vani ma'am is not like sitting in front of you or in the screen. Moving to the side. Question dekho, solve karo. Thank God. Yes? ट्रांसपेरेंट वाले membranous. Tegmina कैसे होते हैं? Thick and leathery. The thick and leathery wings cannot help you. It is the transparent ones. Last question on your screen. चलो, the heart receives blood from the sinuses through hemoseal is the cavity. अब तो मैं बंद कर रहा हूँ, लगाई दूँगी ड्रॉप्टा. Hemoseal cavity होती है, receive करता है छोटे-छोटे holes से जिनका नाम होता है ostia. जिस कैविटी में ब्लड फ्लो करता है बिकॉज ब्लड वेसल्स नहीं है उस कैविटी का नाम होता है हीमोसील. सील का मतलब सीलोम, हीम का मतलब ब्लड. उस कैविटी का नाम होता है हीमोसील. इज दैट क्लियर? थैंक गॉड. चले आस्था प्रथम बुद्धादित्य. एंड गाइस तुम लोग बायो का टेंशन मत लो, मैं तुम्हें रटवा दूंगी. राइट, सो जस्ट बिलो इट यहां आ जाओ. फिजिक्स केमिस्ट्री को कर लो, बस फिजिक्स केमिस्ट्री कर लो, मॉक टेस्ट दे दो और जो डाउट सारे सॉल्व कर लो. बायो का 1% भी टेंशन नहीं लेना, आई एम देयर. पूरा सिलेबस करा दूंगी, बस मॉक टेस्ट दे दो यार. पीसीबी के पूरे मॉक टेस्ट दो. फिजिक्स केमिस्ट्री किसी टीचर से फटाफट लग के पढ़ लो. यूट्यूब पे डाउट सॉल्व नहीं होते, यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन होती है. एक साल वेस्ट नहीं करना है, फटाफट चले जाओ. यस, दिस क्लास इज स्टार्टेड यस्टरडे. 6 तारीख, 6 क्या यस्टरडे क्या मंडे, आज क्लास शुरू हुई है. प्लीज गो गेट इट. डोंट बाय इट विदाउट माई कोड वीडी प्रो. यूज माई कोड, बाय कोर्स पे क्लिक करो, अप्लाई करो वीडी प्रो, गेट 900 rupees ऑफ एंड गेट. सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय गाइस. Let's talk about it more only on Telegram. Bye, guys!